नमस्कार, आप सबका स्वागत है ममाज किचन में। आज मैं आपको एक नए तरीके के सीजनल अचार के बारे में बताऊंगी। ये अचार है सेम का, और हरी वाली सेम नहीं, व्हाइट वाली सेम। जो सफेद सेम आती है वो मैं, आप देखिएगा, वो वाली सेम का सीजनल अचार। अचार तो सबको बहुत पसंद है, और सीजनल तो और भी अच्छे रहते हैं। जो आपकी सब्जी आए हर सीजन में उसका आप अचार बनाइए। दिस इज अ वेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी जो आप घर पे जो भी सामान है उसमें से बना सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्विक रेसिपी, बहुत जल्दी बनता है और सुपर टेस्टी। सो प्लीज आप बनाइए, खिलाइए एंड बताइए। आज हम बनाएंगे सेम का अचार। सफ़ेद वाली सेम हम लेंगे और उसका सीजनल अचार बनेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सेम 250 ग्राम, पीली सरसों, लाल मिर्च और लहसुन के चार कलियाँ और सरसों का तेल। ये मैंने धो ली सेम, और अब हम एक भगोने में थोड़ा सा पानी रखेंगे गैस पे, और पानी जब बॉयल होगा तब हम इसमें ये सेम डाल देंगे। बस हमको थोड़ा सा इसको ब्लांच करना है, मतलब सेमी बॉयल, बहुत ओवर बॉयल मत करिएगा, नहीं तो फिर हलवा बन जाएगा इसका अचार की जगह। तो बस दो तीन बॉयल के बाद, अभी देखिए हमने डाल दिया है, और फोर्क या स्पून के हेल्प से इसको हम थोड़ा अंदर भी कर देंगे पानी में, इससे डूब जाए। देखिए दो तीन बॉयल आए और हमने गैस बंद कर दी, पुट ऑफ द गैस। और इनको हम अब निकाल के एक चलनी में छान लेंगे, देखिए स्ट्रेनर से, और काफ़ी गल गई हैं। और इनको अब हम किचन क्लॉथ पे एक प्लेट लेंगे, उस पर हमको कपड़ा बिछाएंगे रसोई का, उसके ऊपर इनको थोड़ी देर सुला देंगे। जी हाँ, सोने से इनमें, मतलब सोना मतलब थोड़ा सूख जाने के बाद, बाकी की हम इसकी कार्रवाई करेंगे जो हमको अचार बनाना है। ये देखिए ये सूख रही, दो तीन घंटे हम छोड़ देंगे, उसके बाद इनकी जो किनारे हैं वो साफ़ कर लेंगे इस तरीके से, सारी सेम को साफ़ करके एक तरफ रखते जाएंगे। सब मेरी सेम साफ़ हो गई हैं, और अब ये देखिए सरसों ली मैंने पीली, दो चम्मच पीली वाली लीजिएगा, काली सरसों से कड़वा हो जाता है, वो नहीं डालना है। और नमक लिया स्वाद अनुसार एक टेबल स्पून, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। हल्दी ली एक चम्मच, और चार लहसुन की कलियाँ, और सरसों का तेल दो चम्मच, सरसों का तेल दो चम्मच में ही बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत लगेगी। ये सारे मसाले हम निकाल के पहले से रखेंगे। ये देखिए मैंने सरसों जो है वो मिक्सी में चला ली है, पीस लिया इसको महीन। आप चाहें तो इसी के साथ लहसुन भी पीस सकते हैं, पर मैंने लहसुन नहीं डाला था, लहसुन को हम ग्रेट करके डालेंगे। ग्रेट करने से स्वाद इनहेंस हो जाता है और बहुत टेस्टी अचार बनता है। मेरे पास ये छोटा ग्रेटर था, उससे मैंने चारों कलियां ग्रेट कर ली। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे सरसों के साथ। ये सीजनल अचार है, आप भी ज़रूर से बनाइएगा और बताइएगा, बहुत ही स्वाद लगता है। आप इसको किसी भी लंच में, डिनर में, चावल के साथ खाएं, रोटी, फुलका, चपाती या पराठे के साथ, इट इज़ वेरी टेस्टी।
देखिए मैंने इसमें हल्दी भी मिला ली और नमक डाला है एंड रेड चिल्ली पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सरसों का तेल डाला है इसमें, थोड़ा ही सा मिलाएंगे, पूरा नहीं, एक चम्मच के लगभग। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके सारा मसाला एक सा कर लेंगे। अब जो जितनी सेम है सब में खोल के थोड़ा थोड़ा मसाला लगाएंगे, बाकी फिर ऊपर से भी उसको हम कवर करेंगे सारे मसाले से। मतलब यह है कि पूरा मसाला सेम में अंदर बाहर लिपट के अच्छे से सन जाना चाहिए, मतलब मसाला पूरा कवर कर ले सेम को, अंदर भी और बाहर भी। देखिए किस तरह से मैंने किया है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको एक दिन के लिए धूप दिखा सकते हैं, वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं है, बनने के बाद ही तुरंत आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। खाइएगा तो आपको पता पड़ेगा कितना स्वादिष्ट है ये। इस तरह से देखिए मैंने सारे सेम में मसाला भर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, और उतने ही मसाले में मेरी ये जो सेम है ये सब यूज़ हो गया सारा मसाला इसमें। सरसों के तेल से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिससे अचार देखकर ही मन करता है कि तुरंत खाया जाए। ये देखिए सारा मसाला मैंने जो बची हुई सेम में सब मिक्स कर लिया। ये बचा हुआ थोड़ा नमक मिर्च था वो ऊपर से मिला दिया। और इसको अब हम एक बर्तन में बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ही देखने में ही कितना यमी लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया। मस्त अचार बनाइए, खिलाइए, हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप बनाएं तो प्लीज़ शेयर योर पिक्स विद मी। बचा हुआ तेल जो था थोड़ा सा आधा चम्मच, वो भी मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं खाने के लिए हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको उसमें रख सकते हैं धूप में, पर ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मस्त अचार सेम का रेडी फॉर यूज़, यमीलिशियस। थैंक यू, थैंक यू गाइज फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू रेसिपीज एंड न्यू अपडेट्स। सो कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग एंड